सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम जमानत याचिका। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की 5000 पन्नों की चार्जशीट। कोर्ट ने माना 1999 के दंगों में मिले हैं संलिप्तता के सबूत। 6 मई तक बढ़ाई हिरासत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 48 दिनों से जेल में बंद हैं महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक। बीजेपी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मांगा नवाब का इस्तीफा। जम्मू कश्मीर में सेना के साथ आतंकियों की मुठभेड़। 6 आतंकी ढेर, लेकिन सीआईएसएफ जवान एसआईएसबी पटेल को लगी गोली। मौके पर शहीद आतंकियों के खिलाफ जारी है सर्च ऑपरेशन। महाराष्ट्र में गर्मी आते ही बड़ी बिजली की किल्लत। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ली ऊर्जा विभाग अधिकारियों की बैठक। बढ़ती बिजली की मांग के अनुसार इंतजाम करने और 8000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य पाने जरूरी उपाय करने का दिया निर्देश। और बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का 2 मई को होगा लोकार्पण। नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने आज हवाई सर्वेक्षण के जरिए लिया विकास कार्यों का जायजा। सीएम उद्धव ठाकरे करेंगे नागपुर से सेलू बाजार तक पहले चरण का उद्घाटन। महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई अहम निर्णय। नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में काम करने वाले संवर्ग कर्मचारी, सफाई कर्मी और दिहाड़ी कर्मचारियों और रिटायर्ड को पेंशन देने का फैसला। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निर्देश पर कर्मचारियों की 17 मांगों के समाधान के लिए जल्द गठित होगी समिति। शिवसेना के दिवंगत नेता धर्मवीर आनंद दिघे की बायोपिक धर्मवीर का म्यूजिक हुआ लॉन्च। नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने की लॉन्चिंग। फिल्म में प्रसाद ओक ने निभाई है धर्मवीर आनंद दिघे की जानदार भूमिका। 13 मई को रिलीज होगी फिल्म। देश में फिर बड़ा कोरोना का खतरा। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली और पंजाब सरकार ने जारी की मास्क पहनने की सख्ती। कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में देखी जा रही है तेजी। नवी मुंबई के प्रकल्पग्रस्तों के गर्जेपोटी घरों के नियमन के लिए सिडको ने बनाया स्वतंत्र विभाग। मूल गांवठान से 250 वर्ग मीटर दायरे के घर होंगे नियमित। 26 फरवरी को नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने गांवठान विस्तार और गर्जेपोटी घरों के नियमन का जारी किया था जीआर। प्रकल्पग्रस्तों से 15 जून तक अपने दस्तावेज जमा कराने की अपील। फिल्म मेकर रोहित शेट्टी ने की नवी मुंबई के खारघर गोल्फ कोर्स की तारीफ। 52 हेक्टर में सिडको ने विकसित किया है 12 होल का गोल्फ कोर्स। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए जल्द ही 18 होल का कोर्स बनाने की तैयारी। रोहित शेट्टी बोले, खूबसूरत फिजाओं में बना है पोस्टर परफेक्ट गोल्फ कोर्स। नवी मुंबई सानपाड़ा का मस्जिद मामला पहुंचा मनसे चीफ राज ठाकरे के पास। बीजेपी पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों ने की मस्जिद हटाने की मांग। सानपाड़ा में 6 सालों से चल रहा है मस्जिद भूखंड का विरोध। राजनीति गरमाई। हिंदू संगठनों को मनसे अध्यक्ष से न्याय की उम्मीद। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।